इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इटली टी10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में जो आपका खेला जाएगा दोस्तों आरसी और आरबीएमएस टीम के बीच में। देखो दोस्तों मैच तो बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ मैच उनके लिए बहुत अच्छा है जो दोस्तों रिस्क लेने वाले बंदे हैं। इस मैच में ट्रॉम कार्ड प्लेयर का कोई कमी नहीं है, टूर्नामेंट में ऑलरेडी दोनों टीमों ने बहुत मैचेस खेल लिया है, लेकिन तब भी दोस्तों ट्रॉम कार्ड प्लेयर में बता रहा हूँ मैंने दो, एक बैटिंग सेक्शन से टीम में लिया है, दो ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ट्रॉम कार्ड लिया है, टोटल 3 ट्रॉम कार्ड्स के साथ मैंने अपना टीम रेडी किया है। आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को जितना अच्छा से समझोगे उतना अच्छा से दोस्तों ये ग्रैंड लीग आपको दिख रहा है 5 करोड़ का मेगा है दोस्तों, 5 करोड़ का छोड़ना तो भाई लोग एकदम नहीं है, ध्यान रखना ठीक ना। जाओ एकदम बेस्ट टीम रेडी कीजिए, मैच आपका 12:30 से स्टार्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा लाइव आ जाने का, नहीं हो सकता है तो वीडियो में ऐसे मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब बस ध्यान है आपको ये रखना है कि फाइनल टीम जो वीडियो के लास्ट में सेव ज़रूर कर लीजिएगा, कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा उस टीम में तो मैं खुद आपको टेलीग्राम पर फिर से फाइनल टीम शेयर कर दूँगा प्लेइंग 11 आने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके देखो, वहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आरसी और आरबीएमएस के मैच में क्या कम्बिनेशन दोस्तों लेके चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपरिंग सेक्शन में, जहाँ पे देखोगे ऑप्शन तो यार भरपूर आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई ना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सच बेस्ट ऑप्शन करने का मतलब हुआ ना किसी पे ना आप बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना ना कि ये ना बहुत अच्छा कर जाएगा, जितने भी ऑप्शन है सब दोस्तों मिला जुला वाले ऑप्शन है। मैं आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखाता हूँ जिससे आपको खुद पता चल जाएगा। देखो पहला ये जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, बैटिंग दोस्तों करते नहीं है दोस्तों, 10 मैच में 1 मैच में बैटिंग आएगा तो उसको मैं बैटिंग बोलता नहीं हूँ, तो इनको दोस्तों मैं लेने वाला नहीं हूँ। सी बायोमी का भी सेम वही स्टोरी है दोस्तों, 10 में 1 मैच में बैटिंग आएगा। ट्राई आप कर सकते हो एम नईम को, क्योंकि इनका ना चांस बनता है कि बैटिंग आ सकता है, ऐसे इन्होंने ज़्यादा कुछ बैटिंग से नहीं किया है, बट जितने अदर ऑप्शन है ना उसमें किसी का बैटिंग आने का सबसे ज़्यादा चांस है तो वो दोस्तों इन्हीं का है, तो इस वजह से मैं इनको ले रहा हूँ, नीचे और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक ना। ले बस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बैटिंग इनका आ जाएगा, 10 रन भी कर दिए तो बहुत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। बैटिंग सेक्शन में आ जाओ दोस्तों, ए जोसफ यार बहुत कमाल का प्लेयर है, लास्ट मैच हो या इससे पहले वाला मैच हो बहुत अच्छा खेल रहा है, और एक ऑलराउंडर प्लेयर है, कैप्टन करके जाओ ना, वाइस कैप्टन भी मत करो, कैप्टन कर लो। कल के दिन इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मैंने कल का मैच ज़्यादा कवर नहीं कर पाया था, जब ये खेले थे तो वो मैच मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने इनका बैटिंग देखा है दोस्तों लास्ट वाले मैच में, बढ़िया प्लेयर है और इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, ठीक ना। इटली को टी10 में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, टी10 में टी20 में हर एक जगह आपको इनका रिकॉर्ड मिलेगा। जी आमिर, देखो जी आमिर एक ऐसा प्लेयर रहा है ना पूरे टूर्नामेंट में एक मिस्ट्री रहा है, बंदे ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला था बैटिंग, बट इस साल इतना गंदा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है ना कि मैं आपको टीम में अभी मैं लेने को नहीं बोलूँगा। इनका डिसीजन टॉस के टाइम रखना, आएंगे तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए फर्स्ट राउंड, लेकिन अभी आप इनको टीम में मत लेना, इनका डिसीजन टॉस पे छोड़ो, ठीक ना। ना लेने का रीज़न मैं बता दिया हूँ, एकदम ख़राब फॉर्म में गुजर रहे हैं दोस्तों, एकदम ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं, परफॉर्मेंस तो इनसे दोस्तों आ ही नहीं रहा है। ए श्रीहान ध्यान रखना, यदि खेले तो यार बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे चांस बहुत कम लग रहा है क्योंकि लास्ट यदि आप 3-4 मैच से देखोगे तो खेल नहीं रहा है, तो आप इनको हटा के ही चलो, चांस बहुत कम है खेलेंगे। एल बैगनार दोस्तों ये प्लेयर पे ध्यान रखना, क्योंकि इस बंदे ने ना दोस्तों लास्ट 2 मैच में कमाल का बॉलिंग किया है, लास्ट 2-3 मैच में आप इनका दिखाता हूँ, टीम के कैप्टन है और दोस्तों स्पेशली लास्ट 2 मैच देखोगे तो इस मैच में 3 विकेट और इस मैच में 2 विकेट, डेट मीन्स 5 विकेट दोस्तों इन्होंने लास्ट 2 मैच में किया है। इससे पहले कोई मैच में दोस्तों ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे और बैटिंग से आपको कोई उम्मीद भी नहीं रखना है, बट यदि खेले तो एज अ बॉलर दोस्तों आप स्मॉल लीग में नहीं चाहे, कम से कम ग्रैंड लीग में रोटेशन में तो ज़रूर रखना, ठीक ना, रोटेशन में आपको इनको लेके चलना पड़ेगा। एच चौधरी
अच्छा प्लेयर है लेकिन बैटिंग दोस्तों काफ़ी नीचे करने आता है, और बॉलिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बॉलिंग इनको दोस्तों मिल नहीं रहा है। ट्राई कर रहे हो दोस्तों यश चौधरी को, तो एज अ बैट्समैन आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में देखोगे तो यश चौधरी आपको बैटिंग करने आया था दोस्तों, RBMS का प्लेयर है, ओपन आया था। यदि ओपन आता है तो 100% मेरे टीम में रहेगा, लेकिन मुझे चांस कम लग रहा है कि ये ओपन आएगा। ओपन आ जाए तो ज़रूर ले लेना। ILE 11% सिलेक्शन है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ले लेना चाहिए। ILE ने बहुत अच्छा खेला है और एक ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको करके देता है। तो ILE को ज़रूर लो टीम में, रिक्स लो, 11% सिलेक्शन है बट आप रिक्स ले लो इन पे। नीचे से और कोई खास ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है। आरामत खेल लेंगे नहीं दोस्तों, कालू वाला चोट की वजह से बाहर है एकदम टूर्नामेंट से, नीचे से और नहीं खेलेगा। तो बैटिंग सेक्शन से अभी के लिए ए जोसफ और ILE को मैंने टीम में रखा है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों आप यश चौधरी, यदि ओपन बैटिंग करे स्मॉल लीग में आप ले लेना। और ऑलराउंडर सेक्शन में अनिक को ज़रूर लेके चलो, क्योंकि अनिक RBMS का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ज़रूर लेके चलना, कैप्टन भी सी करके जाओ। ए मोहसिन उतना अच्छा दोस्तों टूर्नामेंट इनका नहीं गया है जैसा दोस्तों अनिक ने परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मोहसिन भी दोस्तों एक ऑलराउंडर प्लेयर है, कभी भी दोस्तों बॉलिंग कर जाता है। बैटिंग इनका फिक्स है कि बैटिंग ये दोस्तों टॉप ऑर्डर में आएंगे, लेकिन बॉलिंग ना दोस्तों इनका पूरे टूर्नामेंट में कभी भी फिक्स नहीं रहा है। कोई मैच में बॉलिंग करते हैं तो कोई मैच में दोस्तों बॉलिंग नहीं करते हैं। मैं अभी ले के चल रहा हूँ, ज़्यादा मैं रिक्स इन पर अभी नहीं ले रहा हूँ। नीचे से अमीन को ज़रूर ले कर चलो, विकेट टेकर बॉलर है, 2 विकेट का आप इनसे उम्मीद ले सकते हो, बहुत अच्छा बॉलर है और बैटिंग भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करता है। के अब दो दोस्तों लास्ट कुछ मैच से खेल नहीं रहे, इसी वजह से मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, बट यदि खेलता है तो ध्यान रखना, बॉलिंग तो नहीं लेकिन आपको बैटिंग बैकअप प्रोवाइड कर देगा। ए हमजा नीचे से मैं लेना चाहूँगा। हमजा RC टीम के दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक है, ऐसे रिसेंट मैच इनका भी बहुत ख़राब गया है, लेकिन क्योंकि दोस्तों 2 ओवर का स्पिन बॉलिंग और बैटिंग बैकअप प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉप मत कर दीजिएगा, ठीक ना, एकदम नहीं कीजिएगा। डी कैबरी देखो ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका 2 रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, इस बार सामने जो टीम है RBMS की टीम है, जिनके पास दोस्तों अनिक अहमद जैसे बॉलर रहेंगे। अनिक हमेशा डेथ में बॉलिंग करता है और डी कैबरी हमेशा डेथ में ही बैटिंग करने आता है, क्योंकि टीम का दोस्तों ये फिनिशर है। तो अनिक के बॉल पे दोस्तों ये रन कर देना मुझे नहीं लगता है, अनिक के बॉल पे दोस्तों रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। आप ट्राई करना चाहते हो तो रोटेशन में आप रखना, फिक्स मत कर देना अदर प्लेयर की तरह, आप इनको रोटेशन में यूज़ कर सकते हो। नीचे दोस्तों आई अहमद 21% सिलेक्शन है, बट ध्यान रखना दोस्तों बॉलिंग कंसिस्टेंट कर भी रहे हैं और दोस्तों कंसिस्टेंट विकेट ले रहे हैं, लास्ट मैच में 4 विकेट, उससे पहले 1 विकेट। तो यहाँ पर ना आपके पास देखो ऑप्शन 2 है, सेफ जाना चाहते हो डी कैबरी उठा के चल जाना, रिक्स ले सकते हो तो आई अहमद को टीम में ले सकते हो। मोटनी यदि खेलता है तो आपको 2 ओवर का ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करेगा, बैटिंग से आप कोई उम्मीद मत रखिएगा इससे, ठीक ना, बैटिंग उतना अच्छा नहीं किया है टूर्नामेंट में, बॉलिंग आपको ज़रूर कर सकता है। नीचे दोस्तों ए साजन ठीक ठाक प्लेयर यार, मैच कम खेला है बट अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप देखोगे 2 मैच है, दोनों मैच में विकेट भी मिलेगा प्लस आपको कुछ रन भी मिलेगा, ये भी आपका दोस्तों एक ट्रॉम कार्ड के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। सेफ जाना हो तो ये दोनों के जगह आपके पास ऊपर से डी कैबरी का भी ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको ये मिलेगा, देखो इनका ना अनुजा का मैं बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत ही क्लियर देखा है, ये बंदा दोस्तों डेथ में आता है, ठीक ना। एक तो दोस्तों ये फास्ट बॉलर मुझे कभी लगा नहीं है दोस्तों, ये स्पिनर है, डेथ में आता है, एकदम लास्ट बॉलिंग करेगा, लास्ट ओवर एकदम। और वहाँ पे क्या होते हैं ना, बैट्समैन अपने नशे में होते हैं, अपने धुन में होते हैं, ज़्यादातर दोस्तों बैट्समैन तो होते नहीं है, बॉलर रहते हैं, वो सब एकदम छक्का मारने जाते हैं, और ये बॉल ऐसा करता है कि आप बैट्समैन हो ना तो आपको लालच बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मन करेगा दोस्तों थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के एक छक्का मारते हैं, और बंदा वहीं पर दोस्तों विकेट ले जाता है। इतना स्लो दोस्तों डिलीवरी देता है ना, एकदम फ्लाइट देता है, क्या बोले इसको, समझो ना, मान के चलो आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, कोई बॉलिंग करने आया, ठीक ना, इतना स्लो बॉलिंग कर रहा है ना, उसका बॉल आपको सामने दिख रहा है, क्या मन करेगा यार आगे बढ़े और उसके बॉल को दोस्तों उठा के दोस्तों सामने मारे, वहीं पे दोस्तों ये विकेट ले जाते हैं। बढ़िया बॉलर है, टीम में ज़रूर ले लेना चाहिए। अली का ध्यान रखना, यदि खेलेगा तो मेरी टीम में 100% होगा, एक बार भी मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये आप लोग भी ले लेना।
नहीं खेलेगा तो फिर तो यार नहीं ट्राई करेंगे। लास्ट कुछ मैच से नहीं खेल रहे हैं इसलिए मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। इस बार डेफिनेटली आपको दो ओवर का बॉलिंग करके देगा। रीसेंट मैचों में कंसिस्टेंट दोस्तों बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट भी एटलीस्ट एक ज़रूर ले जाते। इस बार यही है कि इनके सामने बैट्समैन अच्छे रहेंगे तो हो सकता है ज़्यादा विकेट ना ले, एक ही ले, या आप चाहो तो रिक्स भी ले सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ कन्फर्म है कि आपको दो ओवर का बॉलिंग ज़रूर करेंगे। इस इस्लाम ओके बॉलर है, इसने ना रीसेंट मैचों में बढ़िया बॉलिंग किया है, बट प्रॉब्लम क्या है ना इस मैच में इस इस्लाम के सामने बहुत अच्छा प्लेयर बैटिंग करेगा। इनके सामने इस मैच में बैटिंग आपको करेंगे ए जोसफ, जो बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों T10 का, T20 का जो बोलो। मुझे नहीं लगता है इस इस्लाम इस मैच में परफॉर्म करना चाहिए इसलिए मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। आर्मिया आपको दो ओवर का ज़रूर बॉलिंग करके देगा, विकेट टेकर बॉलर नहीं है। टूर्नामेंट में इस बंदे ने सिर्फ एक मैच में दो विकेट निकाला था, उसके बाद किसी भी मैच में विकेट नहीं लिया है। अब फर्स्ट मैच को छोड़ दे तो मैं ट्राई अभी नहीं कर रहा हूँ, बट ध्यान रखना यदि ये खेलता है तो दो ओवर का ज़रूर बॉलिंग करेगा। ए नियाजी इस मैच में विकेट लेस जाना चाहिए तो मुझे नहीं लगता इनको हम लोग रखेंगे अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ एस बादर को ही टीम में ले लेता हूँ। कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा जैसे एक तो डी कैबरी का रोटेशन आप लोग ध्यान रखना, और बैटिंग सेक्शन से जी आमिर मैं नहीं ट्राई करूँगा। हाँ बैटिंग सेक्शन से एच चौधरी और लाउंडर सेक्शन से डी कैबरी। यदि आप सेफ जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ए साधन की जगह इनको आप पिक कर सकते हो, और आई अहमद की जगह दोस्तों आप इधर से एस चौधरी को ले सकते हो। बस ये दो रोटेशन है आपके लिए। यदि ए अली जैसा प्लेयर खेलता है तो मैं खुद आपको लाइव सेशन में अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े, कैप्टन बीसी देख ले। देखो कैप्टन बीसी के लिए मैं तो अभी के लिए क्लियर हूँ, ए जोसफ एज अ कैप्टन, बीसी में अनिक जा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको रिवर्स कर सकते हो, इनको कैप्टन इनको बीसी भी कर सकते हो। ये दो ऑप्शन हो गए। थर्ड ऑप्शन आप किसको करोगे, थर्ड ऑप्शन ना लास्ट मैच का बैटिंग पोजीशन देखे तो मोहसिन पे और नहीं तो आई अहमद पे आप ट्राई कर सकते हो। देखो थर्ड ऑप्शन आपको जाना हो ना तो आप मोहसिन का ध्यान रखना, एक तो ये हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों आप डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा आई अहमद पे, ठीक ना। आई अहमद भी एक ऑलराउंडर प्लेयर है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। कम्बिनेशन सेव कर लीजिए, अभी मैं कोई चेंज नहीं करने को बोलूँगा। कोई चेंज करना भी होगा तो खुद मैं आपको टेलीग्राम पे एक बार फाइनल टीम शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा तो आप लोग कम्बिनेशन में कर सकते हैं, सेव कर लीजिएगा टीम, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, वहाँ पर भी ना सबसे ऊपर में कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और यदि मैं लाइव आऊँ तो उसका भी आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।